हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर बिल्डर। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो हमारा वीडियो है वो हमारा लेक्चर थर्ड वीडियो है। लेक्चर सेकेंड और लेक्चर फर्स्ट आप देख के इस वीडियो को देखेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी क्लियर होगा। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो लास्ट टाइम में हमने ये पढ़ा था कि जो मेंडेलीव्स थे उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया था उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस आए। जैसे उन्होंने हाइड्रोजन के प्लेस को अच्छे से नहीं बता पाया था कि कहाँ पे रखना हाइड्रोजन को। उन्होंने एलिमेंट्स के आइसोटोप्स के बारे में अच्छे से क्लैरिफाई नहीं किया कि उन आइसोटोप्स को फ्यूचर में जो डिस्कवर होने वाले हैं उसको कहाँ पे रखना है। और साथ ही में इसी तरीके के छोटे बड़े बहुत ही सारे लिमिटेशन थे, जैसे कि उन्होंने कभी कभी अपने प्रॉपर्टी को शो करने के लिए कभी कभी हेवी एटॉमिक मास को भी थोड़े लाइटर एटॉमिक मास के सामने मतलब पहले रखा, जबकि उन्होंने ये स्टेट किया था कि उनका जो पीरियोडिक टेबल है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के तौर पर है। इसको देखने के लिए आप लेक्चर सेकंड में जाके अच्छे तरीके से पूरा लेक्चर सेकंड कवर करें तो शायद बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो सकता है ये वाला कॉन्सेप्ट। फिर हम चलेंगे, तो अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाद हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली 1913 में हेनरी मोसले ने क्या किया, उन्होंने ये बताया कि जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, मेंडेलीव ने ये बोला था कि जो एटॉमिक मास होता है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। लेकिन जब हेनरी मोसले आए, मेंडेलीव के पहले जितने भी साइंटिस्ट थे वो लोग सारे यही बता रहे थे कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है वो होता है एटॉमिक मास, जबकि हेनरी मोसले पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि एटॉमिक मास नहीं जबकि एटॉमिक नंबर जो होता है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। आप में से सारे बच्चे क्लियर होंगे कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस नंबर ऑफ प्रोटोन, और जबकि एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एनी सेल। ठीक है, इसके बाद जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का लॉ था, उन्होंने जो लॉ दिया था इसी को थोड़ा सा अडॉप्ट करके और मॉडिफाई करके हेनरी मोसले ने एक अपना लॉ दिया, और उसमें ये बताया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मींस जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी होता है वो उनके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होता है, मतलब जैसे जैसे जो एटॉमिक मास नंबर है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट या अप टू डाउन इन ए पीरियड, तो उसका जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी उस हिसाब से जो है वो वेरी करेगा। ठीक है, उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी वेरी करेगा और कभी कभी रीअकर भी होगा। जैसे सपोज ये पीरियोडिक टेबल है, तो इसमें हम लोग अगर लेफ्ट टू राइट गए तो एक प्रॉपर्टी हुआ फर्स्ट पीरियड में, तो सेकेंड पीरियड में भी अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट गए तो वही सिमिलर प्रॉपर्टी हमें नोटिस करने को मिल सकता है। तो ये था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपको पूछता है व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो आप ये लिखोगे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, इस हिसाब से इन्होंने बताया था एटॉमिक नंबर का फंक्शन, और इन्होंने एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट किया था। लास्ट क्लास लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था, और ये बताया था कि इनका जो पीरियोडिक टेबल है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है। ठीक है, और इन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से अपने जो पीरियोडिक टेबल है उसको सजाया है। प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट कुड बी मेड विद मोर प्रिसीजन व्हेन एलिमेंट्स वेयर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इन्होंने ये बताया और ये चीज़ देखा भी गया कि जब एटॉमिक नंबर के हिसाब से इस चीज़ को सजाया गया तो वो एटॉमिक मास के हिसाब से जो सजाया गया था उससे बहुत ही प्रिसाइज था, बहुत ही एक्यूरेट था, और बहुत ही सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से मिल रही थी और गलतियाँ बहुत कम मिल रही थी, लिमिटेशंस बहुत कम मिल रहे थे। ठीक है, तो बेसिकली ये था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इसके बारे में उन्होंने ये बताया कि इसमें जो वर्टिकल कॉलम है, ठीक है, इसको उन्होंने बोला रॉ, और उन्होंने ये बताया उनके जो मतलब ये हमें डेटा याद रखना है कि उनके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास टोटल 18 ग्रुप है। ठीक है, इस कॉलम इस वर्टिकल कॉलम को उन्होंने कहा ग्रुप, और इस हॉरिजेंटल रॉ को उन्होंने कहा पीरियड्स। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स था उनके हिसाब से और 18 ग्रुप्स थे।
ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि कैसे जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कैसे डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स है जिसको हम ग्रुप के नाम से जानते हैं, और 7 हॉरिजेंटल रो है जिसको हम पीरियड के नाम पे जानते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे इन जो एलिमेंट्स है उसको कैसे इस ग्रुप में रखा गया है, कैसे सजा के रखा गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑल दिस एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर इन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप। ठीक है, मतलब अगर हम ग्रुप फर्स्ट में जाते हैं ऊपर से नीचे, तो इन सारे इनके सेल में ये जो एलिमेंट है इनके ऑर्बिट में जो लास्ट ऑर्बिट है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम किसे कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इन सारे ही ग्रुप में सब में जो लास्ट में वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम पीरियड वाइज चले तो फ्लोरीन क्लोरीन जो है ये ग्रुप 17 से बिलोंग कर रहे हैं। फ्लोरीन क्लोरीन ये 17 से बिलोंग कर रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ा एक मेंडेलियस की पीरियड पीरियोडिक टेबल के टाइम पे एक कंफ्यूजन था हाइड्रोजन का पोजीशन। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के पोजीशन को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इसको देयर इज अ एनोमली व्हेन इट कम्स टू द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज इट कैन बी प्लेस्ड ईदर इन ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 17 इन द फर्स्ट पीरियड। मीन या तो इसको हम लोग ग्रुप फर्स्ट में रख सकते हैं हाइड्रोजन को, या तो ग्रुप 17 में रख सकते हैं। ग्रुप फर्स्ट में ये इसलिए रख सकते हैं क्योंकि ये जो हमारे एल्केली मेटल्स हैं उनके प्रॉपर्टी के जैसा सिमिलर मेटल प्रॉपर्टी देता है, सिमिलर प्रॉपर्टी देता है। और जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं जैसे क्लोरीन, ठीक है, आयोडीन, फ्लोरीन, ठीक है, ये सब जैसे डाई मॉलिक्यूलर है वैसे ही H2, ठीक है, जो हमारा हाइड्रोजन भी है वो डाई मॉलिक्यूलर है। तो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज इनके ग्रुप फर्स्ट से भी मिलता है हाइड्रोजन का, और ग्रुप 17 से भी मिलता है। तो इसको लेके क्वेश्चन था हमारे पास कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगा उसमें जो हाइड्रोजन का प्लेसमेंट है वो कहाँ पे होगा। तो उन्होंने इसका प्लेसमेंट सबसे ऊपर की पीरियड में किया है, यहाँ पे फर्स्ट पीरियड में, यहाँ पे इन्होंने ना ही इसको ग्रुप फर्स्ट में रखा और ना ही इसको ग्रुप 17 का एलिमेंट बताया, इन्होंने इसको ऊपर में सबसे अलग में बताया यहाँ पे हाइड्रोजन की प्लेस, क्योंकि इसका जो प्रॉपर्टी था वो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 17 दोनों से ही मैच करता था। ठीक है, इन सब में बेसिकली ये बताया गया है इस पैराग्राफ में। इसको मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, इसलिए आई एम थोड़ा सा फास्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो पोजीशन है उसमें ये बताया गया हमें कि ये जो वर्टिकल कॉलम है इसको हमें हम ग्रुप के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो हमारा हॉरिजेंटल रो है इसको हम पीरियड्स के नाम से जानते हैं। हमारे पास है 18 ग्रुप्स, 7 पीरियड्स। अब ये बताया गया कि हम जब ग्रुप वाइज चलते हैं तो हर ग्रुप में जो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यानी जो लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम होता है। जैसे सपोज हम ग्रुप फर्स्ट में चलते हैं तो ग्रुप फर्स्ट में जो लास्ट वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पूरे। तो हम अगर ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स को लिखे यहाँ पे ह ली ना हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम, तो इन सब का जब हम KLMN करके निकालेंगे या SPDF करके जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो हम देखेंगे कि इन सारे ही एलिमेंट के जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है वो 1 होता है और वो सेम होता है। इसी हिसाब से यहाँ पे बताया गया कि जब आप पीरियड वाइज चलोगे इधर साइड में तो आपको नंबर ऑफ सेल्स सेम मिलेंगे, मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं मिलेंगे पर हर एलिमेंट में कितना ऑर्बिट होएगा ये सेम होगा। जैसे सपोज वी आर टेकिंग ग्रुप सेकेंड, ठीक है, तो सपोज हमारे ग्रुप सेकंड के लिए 2 ऑर्बिट, ठीक है,
ग्रुप नहीं, पीरियड्स, ठीक है, पीरियड सेकंड मींस ये पीरियड, ठीक है, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल वाले को हम पीरियड कहते हैं। तो पीरियड सेकंड के लिए, वेट, ठीक है, तो पीरियड सेकंड में क्या होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो या ना हो, लेकिन पूरे पीरियड के एलिमेंट में जो ऑर्बिट होगा वो दो ही होगा, ठीक है। इसमें जो जो भी एलिमेंट है, लिथियम है, बेरेलियम है सेकेंड में, फिर आपको आ जाता है इधर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस सब में ही दो दो सेल होगा, मीन सेम नंबर ऑफ सेल होगा। साथ ही में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, तो हमारा जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज करता है। लाइक सपोज हाइड्रोजन के एटम का साइज अगर इतना है तो लिथियम का साइज होगा वो उससे बड़ा होएगा, ठीक है, जो सोडियम का साइज होगा उससे और बड़ा होएगा, जो पोटेशियम का साइज होगा वो उससे और भी बड़ा होगा, और साथ ही में नीचे आते आते सीजियम का साइज सबसे बड़ा, और फ्रांसीसियम जो होता है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो इसका हाफ लाइफ बहुत ही कम है और ये जल्दी से डिसअपेयर हो जाता है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा इस ग्रुप में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और फिर हम ये देख, इसमें ये बताया गया है कि जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड की तरफ बढ़ेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन, ये जो सेल है हमारा, ठीक है, जो एटम का सेल है वो श्रिंक करता है। अब क्यों श्रिंक करता है, आई विल टेल यू रीजन, ठीक है। नीचे जाने पे बढ़ता है, हमें पता है जैसे जैसे नीचे जा रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ रहा है तो सेल नंबर बढ़ रहा है, और लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो श्रिंक करता है। क्यों श्रिंक करता है, तो क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो बढ़ते जाता है, तो अट्रैक्शन बढ़ता है अंदर की तरफ से, इस वजह से लेफ्ट टू राइट पीरियड में जो साइज है वो श्रिंक करता है, ठीक है। लाइक सपोज इफ वी आर टेकिंग पीरियड नंबर 3, ठीक है, तो इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, फिर इधर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, तो जैसे जैसे इधर हम बढ़ रही है 13, 14, 15, 16, तो जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बढ़ रहा है, और सेल तो हर पीरियड में सेल बढ़ेगा नहीं, नंबर ऑफ सेल जो है वो, वेट अ सेकेंड, लेट मी सी, एक पॉइंट पे इन द सेम पीरियड विद द सेम नंबर ऑफ द सेम पीरियड, सॉरी सॉरी यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, जो पीरियड्स में नंबर ऑफ सेल होता है वो सेम होता है, तो हर एक पीरियड में नंबर ऑफ सेल जो होगा, ऑर्बिट होगा, सेम होगा। तो जब ऑर्बिट सेम होगा तो हम जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं, हमें हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ते जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ते जा रहा है तो जो अट्रैक्शन होगा प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन में वो काफ़ी ज़्यादा होने लगेगा, इसीलिए लेफ्ट टू राइट जाने में जो हमारा एटम का साइज है वो श्रिंक करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये था पोजीशन कैसे क्या मेंटेन है, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे कैसे हम सेल को देखते हैं और कैसे कितने सेल, कौन से सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसको कैसे बताया हेनरी मोसले ने, ठीक है। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी सेल में वो होता है 2n², ठीक है, जहाँ पे जो n होता है वो नंबर ऑफ सेल का नंबर होता है, जैसे KLmn, सपोज इसको आपने नंबरिंग वाइज लिया 1, 2, 3, 4, तो 2n², तो सपोज वी आर टेकिंग ऑफ के, ठीक है, तो के का हम यहाँ पर रखेंगे 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो इट विल बिकम 2, तो हम के में दो ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ये हमारा मैजिक नंबर। कैसे मैजिक नंबर होता है, एक बार फिर से, जो मैजिक नंबर गिवन है वो गिवन है 2n², ठीक है, जहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ सेल है, ठीक है, कि नंबर ऑफ सेल है कि मीन वो सेल न्यूक्लियस से कितना है, कितनी दूरी पे, ठीक है, KLmn, ठीक है। सपोज ये एटम है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट K बोल दिया, ये सेकेंड ऑर्बिट LmN, ठीक है, तो ये आपका जो नंबरिंग है 1, 2, 3, 4, ये है n का नंबर, और किस किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग रख सकते हैं इसको हम डिसाइड करते हैं 2n² से, ठीक है, जहाँ पे जो n का वैल्यू है वो k के लिए 1 होगा,
L के लिए 2 होगा, M के लिए 3 होगा और N के लिए 4 होगा। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से सॉल्व है, तो हम कितना रख सकते हैं, ठीक है 2 8 18, ठीक है। लेकिन ये नंबर तो आएगा 2 8 18 32, ठीक है। पर हम ये चीज एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया, ये चीज इन लोग के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि किसी भी ऑर्बिट में हम लोग 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं रख सकते। कोई भी सेल हो, कोई भी ऑर्बिट हो, कोई भी एलिमेंट हो, वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने एक ऑर्बिट में नहीं रख सकता। तो ये नंबर तो आया 18, 18 रख सकता है, बट 8 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसीलिए इसमें सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। अब हम देखेंगे ट्रेंड्स जो है वो कैसा होता है, ठीक है। तो वैलेंसी, अब वैलेंसी क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज वैलेंसी। तो वैलेंसी में किसी भी एलिमेंट का वो टेंडेंसी होता है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। मतलब किसी भी एलिमेंट का कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 4, उसके पास सपोज उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमेशा वो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। कभी भी वो कंपाउंड फॉर्म कर रहा है किसी के साथ तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो वो उसका वैलेंसी हो गया, ठीक है। जो कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी होता है ना उसको हम वैलेंसी कहते हैं, टेंडेंसी टू कंबाइन, ठीक है। हाउ मच इलेक्ट्रॉन विल हैव टेंडेंसी टू कंबाइन, उसको हम कहते हैं वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो वैलेंसी है वो तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कैसे कैसे जो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी है उस पर ये वैलेंसी डिपेंड करता है हमारा, ठीक है। तो वैलेंसी का ट्रेंड हमारा ऐसा है कि हमें वैलेंसी पता करके याद करना पड़ता है, ठीक है। जैसे सपोज वी हैव हाइड्रोजन, ठीक है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1, और ये कभी भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, तो इसका जो वैलेंसी हो गया वो 1 हो गया, ठीक है। सपोज हमारे पास हो गया फ्लोरीन, ठीक है, तो फ्लोरीन का जो वैलेंसी होता है वो 1 माइनस माइनस, यानी वो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऊपर लेता है मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है। अब नाउ टॉकिंग अबाउट एटॉमिक साइज, जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एटॉमिक रेडियस जो एटम का, हाइड्रोजन एटम का, वो 37 पिकोमीटर, जहाँ पे 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10^-12 मीटर है, ठीक है, उस हिसाब से नीचे आने पे ये बढ़ते जाता है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज हमारा इंक्रीज करता है, और लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड क्या होता है, ये डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है, तो एटॉमिक अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन जो प्रोटॉन के साथ होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल सेम रहेगा और साथ में इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो बढ़ते जा रहा है, तो वो न्यूक्लियस में रहने वाले प्रोटॉन के साथ ज़्यादा रिएक्ट करेगा, ठीक है। नाउ मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी के बारे में देखिए, इसमें यही सब डिस्कस है, ठीक है, इसमें मैंने जो बताया आपको यही चीजें डिस्कस है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। अब देखिए फर्स्ट ग्रुप का, मैं यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप बना रही, ठीक है। As we can see, the metals like sodium and magnesium are towards the left-hand side of the periodic table, while the non-metals like sulfur and chlorine are found on the right-hand side. इसके लिए हमें periodic table पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम मेटल है, ठीक है, वो पीरियोडिक टेबल में इधर लेफ्ट साइड रखा गया। आप जब अपना बुक खोल के बैठोगे आप, तो आप देखोगे कि ये जो आपके लेफ्ट साइड में है, और यहाँ पे जो मैक्सिमम जैसे ऑक्सीजन गैस, ठीक है, नाइट्रोजन गैस, कार्बन गैस, जो नॉन मेटल है वो राइट साइड में है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में मैक्सिमम मेटल की प्लेसमेंट है और राइट साइड में नॉन मेटल, और बीच में इधर कहीं जो मेटलॉइड्स है हमारे, ठीक है, जर्मेनियम, गैलियम, ठीक है, टीन, एंटीमोनी, ये सब आते हैं मेटलॉइड्स, जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों ही प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। ठीक है,
इसी तरीके से एक जिगजैग लाइन सेपरेट्स मेटल एंड नॉन मेटल द बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स बोरोन सिल्कन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी टेलोरियम एंड पोलोनियम दे आर सेमी मेटल्स। वही जो मैंने आपको भी बताया, ये दे आर मेटलॉइड्स, ठीक है। और बॉर्डर लाइन वही जो मैं बना रही थी ऐसे करके, ठीक है। ये जो मेटलॉइड्स, ठीक है, मेटलॉइड्स का आपको एग्जाम्पल याद कर लेना होगा, यहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड द टेंडेंसी टू लूज। जहाँ मैंने आपको ये बताया कि जो अट्रैक्शन था इलेक्ट्रॉन का और प्रोटोन का वो बढ़ रहा था लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने पे, इसी को हम लोग कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। क्या कहते हैं हम? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इसी चीज़ को यहाँ पे एक बार फिर से डिस्कस किया गया कि क्यों हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं, तो जो हमारा साइज एटम का वो श्रिंक होते जाता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ते जाता है और वो प्रोटॉन के साथ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है, ठीक है। और नीचे आने पे हमारा सेल बढ़ता है, इस वजह से डाउन द ग्रुप आने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है, ठीक है। नाउ देयर फॉर दिस कैन बी लॉस्ट ईजिली, मीन्स जब हम अप ऊपर से नीचे की तरफ आए तो जैसे जैसे हमारे मेटल जो एटम का साइज है वो बढ़ते जा रहा है, तो न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन है वो कम होते जा रहा है, ठीक है। तो इस कारण जो मेटल नीचे वाला जो मेटल है वो ईजिली अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी को दे सकता है कंपाउंड बनाने के लिए, ईजिली लूज कर सकता है। लेकिन वही जो ऊपर वाला मेटल है, जो ऊपर वाला एलिमेंट है, वो ईजिली नहीं कर सकता, क्योंकि इसके ऊपर जोड़ का तगड़ा न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स है, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रुप में सबसे नीचे के एलिमेंट होते हैं वो ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, ठीक है। और वहीं पे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स इनका जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव? इलेक्ट्रोनेगेटिव वैसा टेंडेंसी होता है जिसमें कोई किसी के पास वो टेंडेंसी हो कि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करे, ठीक है। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एज द ट्रेंड्स इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सो नॉन मेटल्स आर फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड। एज वी नो कि जो नॉन मेटल होते हैं वो राइट हैंड साइड होते हैं। दिस ट्रेंड्स ऑल्सो हेल्प अस टू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। और इस ट्रेंड्स की वजह से हम इस नेचर ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। ये हमने एसिड बेस चैप्टर में आपको पढ़ना है, मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। आई विल टीच दैट चैप्टर मैं जस्ट इसके बाद या एक दो चैप्टर के बाद, ठीक है। तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, ठीक है। ये आपको याद करना। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बेसिक होते हैं नेचर में, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। तो ये बेसिकली आपका चैप्टर था। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे क्लास टेंथ तक के लिए जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट है इसको शॉर्टकट में कैसे याद रखें, ठीक है। ये जो पूरा पीरियोडिक टेबल है इसको आपको जहाँ तक याद करना है, आपको जो पूरा याद करना है मिनिमम 1 to 30, ठीक है, जो है वो याद करना है, और कैसे ग्रुप वाइज पीरियड वाइज कैसे जो है एलिमेंट का नाम याद रखें, ठीक है, इसके बारे में वीडियो होगा। और थोड़ा सा और भी डिस्क्रिप्शन में पीरियोडिक टेबल के बारे में कि कैसे क्या होता है, किधर क्या जो हमारा एटॉमिक साइज है बढ़ता है घटता है, इसको एक बार फिर से अच्छे तरीके से उस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए जुड़े रहे हमसे, सब्सक्राइब बटन हिट करें, लाइक प्रेस करें, पसंद आए तो फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच।